हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है अमन सिंह और आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं ओपन छत के बारे में, खुली छत के बारे में कि खुली छत में आप क्या क्या चीजें करवा सकते हैं। अब जैसा कि आप इस फोटो में क्या देख रहे हैं, इस फोटो में आप ये देख रहे हैं कि दो घरों की छतें दिख रही हैं, दो अलग अलग घर हैं। मतलब बड़ी अच्छी फोटो निकल आई कि एक छत में आपको टाइल दिख रही है, एक छत में आपको बनते हुए भी कि एक छत में तुरंत टाइल लगाएगी और एक छत में तुरंत आपको मटफस डाला जा रहा है। मटफस मीन्स मतलब कि मिट्टी डाल के उसकी टाइल लगाई जा रही है उसके ऊपर। तो इस फोटो को देख के काफी लोग ये कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या अच्छा रहेगा, टाइल लगाना अच्छा है कि मटफस डालना अच्छा है। अपने घर में जब हम घर बनवाएंगे तो ऊपर की जो छत बचेगी उसमें हम क्या करवाएं, किसमें हमारा फायदा हुआ। तो देखो, दोनों चीजें अपनी जगह अच्छी हैं, टाइल टाइल की जगह अच्छी है, मटफस मटफस की अपनी जगह अच्छी है। और दोनों के कुछ नुकसान भी है, टाइल के भी कुछ नुकसान है, उसके भी कुछ नुकसान है, लेकिन दोनों का सोल्यूशन निकल सकता है अगर आप समझदारी से काम करते हैं। तो देखिए, यहां पे मेन मुद्दा आता है पैसे का। भले आपको लगे ना यार पैसा तो मेरे पास बहुत है लेकिन मैं मटफस कराऊंगा, पसंद है, तो वो आपकी अपनी जिद हो गई। लेकिन यहां मेन फैक्टर पैसे का ही आता है। क्यों? अगर आप अपनी छत पर टाइल लगवा रहे हैं तो कुछ सोच समझ के लगवा रहे होंगे ना। आपको भी नॉर्मल पता है कि टाइल तो गर्म होगी होगी धूप में। जब मई जून का महीना आता है, गर्मी का मौसम आता है, तो टाइल तो आराम से गर्म हो जाएगी। टाइल गर्म होगी तो नीचे का जो मसाला लगा होगा वो भी गर्म होगा, फिर उसका छत भी गर्म होगी। जब छत ही गर्म हो जाएगी आपकी तो नीचे जो कमरा बना होगा वो भी आपका गर्मी उसके अंदर अच्छे से आएगी, उस कमरे में वो भी कमरा आपका गर्म हो जाएगा अच्छे तरीके से। तो आदमी, कोई भी इंसान अपने घर में टाइल लगाएगा तो कुछ तो सोच के लगाएगा ना कि हमारा कमरा भी गर्म ना हो रहा है, क्योंकि टाइल में वो अब एक्स्ट्रा कॉस्ट लगा रहा है, टाइल महंगी लगा रहा है, टाइल लगाने का खर्चा भी अलग हो रहा है उसका, वाटर प्रूफिंग भी पहले कराएगा वो। ऐसा तो नहीं नॉर्मल छत के ऊपर टाइल लगा देगा, भाई ओपन छत है तो पहले वाटर प्रूफिंग कराएगा, वाटर प्रूफिंग कराने का पीसीसी कराएगा, पीसीसी कराने के बाद फिर अपने टाइल लगवाएगा। टाइल भी अच्छी खासी महंगी आती है, टाइल उसकी लेबर भी महंगी आती है, फिर ग्रूविंग ग्राउटिंग एपॉक्सी कुछ भी करवाएगा उसको। तो वो क्या चाह रहा है आपकी कि मेरी छत अच्छी दिखे, लुक भी अच्छा है छत का और अच्छा साफ सफाई दिखे छत में, तो पहली प्रायोरिटी तो उसकी ये है। लेकिन वो ये भी सोच चलेगा कि मेरी इस छत की वजह से नीचे का जो कमरा बना हुआ मेरा, वो कमरा भट्टी ना बने, यानी वो कमरा गर्म ना हो। तो वो ये चीज पॉइंट आउट करके चलता हो, पॉइंट नोट करके चलता होगा कि जब भी मेरा कमरा जो इसके नीचे का कमरा होगा उस कमरे में मैं फॉल सीलिंग कराऊंगा, यानी फ्रेम वाली सीलिंग कराऊंगा इस तरह। जैसे आपके अब यहाँ पे पीओपी के वर्क दिख रहा है, ये कोई नॉर्मल पीओपी नहीं है, ये फ्रेम मुर्गा लगा के फ्रेम लगा के तब पीओपी की गई है। तो अगर आप अपने छत में नीचे कमरे में अगर आप पीओपी करा लेते हैं तो आप अपनी छत के ऊपर टाइल लगाओ या फिर छोड़ दो या फिर खुली छत ऐसे डाल दो, कितनी भी गर्मी होगी आपका कमरा कभी गर्म नहीं होगा, ये मेरी तरफ से गारंटी है। हाँ, छत की वजह से गर्मी नहीं होगी। हाँ, अगर दीवारें गर्म हो रही है, दीवारों में धूप पड़ रही तो हाँ दीवारों की वजह से गर्म हो सकता है आपका कमरा, लेकिन छत में गर्मी नहीं होगी। छत गर्म हो जाएगी लेकिन यह है कि आपकी पीओपी अगर कमरे के अंदर है तो छत की वजह से जो हीट ट्रांसफर आपके कमरे में हो रहा था वो नहीं होगा पीओपी की वजह से। क्यों? क्योंकि छत ये है, मान लीजिए और पीओपी आपकी छत से कुछ ना कुछ डाउन रहती है, 4 इंची 5 इंची 6 इंची कुछ ना कुछ एक एक फीट तक डाउन रहती है। छत और पीओपी के बीच में क्या हो गया, एयर गैप मिल गया। अब एयर गैप होने की वजह से भाई अब छत तो गर्म होते होते टाइम लगेगा उसको, उसकी वजह से हवा गर्म होगी। अब हवा तो कितना गर्म हो पाएगी वो भी एक लिमिट तक गर्म हो पाएगी। अब पीओपी क्या है, पीओपी एक तरह से मिट्टी है, अब उस मिट्टी को गर्म होने में बहुत टाइम लग जाएगा, तब तक तो आपका पूरा दिन बीत जाएगा, तो पीओपी आपकी गर्म ही नहीं हो पाएगी। नीचे की जो कमरे की पीओपी आपने कराई वो गर्म नहीं हो पाएगी। अब जब पीओपी ही नहीं गर्म हुई तो आपकी कमरा भी गर्म नहीं होगा, सिंपल सी बात है यहाँ पे। हाँ, अगर दीवारें आपकी खुली हैं, धूप पड़ रही है दीवारों, तो दीवारों से हीट ट्रांसफर हो सकती है आपके कमरे के अंदर, तो यहाँ पे आपका कमरा भट्टी बनने से बच जाएगा। लेकिन आपको यह है कि पीओपी करानी पड़ेगी, फिर आप टाइल लगाओ या फिर ना लगाओ, अपनी छत को ऐसा ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आते हैं मटफस वाले पोर्शन में। मटफस में क्या होता है कि यहाँ पे अब एक चीज काम आती है कि लोग सोचते हैं कि यार टॉप फ्लोर का अब चाहे एक रूम बनाया हो, शायद कुछ ये फिर रेंट आउट करने के लिए किसी ने बनाया होगा, तो वो सोचता है कि यार इतना खर्चा हम क्यों करें टाइल का, वाटरप्रूफिंग कराएंगे फिर टाइल लगाएंगे, टाइल महंगी आएगी फिर टाइल लगाने वाला भी कॉस्टिंग ज्यादा मांगेगा।
तो वो सोचता कि सस्ते में काम चल जाएगा, अपना 2-3-4 ट्रॉली अपनी मिट्टी मंगा ली, उसको छत में डलवा दिया और नॉर्मल टाइलें लगा दी उसने, तो उसको ये लगता है कि चलो सस्ते में काम हो गया और हमारा जो है एक तरह से हीट प्रूफ छत हो गई। तो हीट प्रूफ छत हो जाती है बिल्कुल, नो डाउट। हाँ, अगर आप मिट्टी वाला काम करा लेते हैं तो आपको छत के नीचे पीओपी कराने की जरूरत नहीं है, वो आपकी छत गर्म नहीं होने देगी, ये तो श्योर है। लेकिन इसमें कुछ दिक्कतें होती हैं फ्यूचर, अगर थोड़ा 3-4 साल या फिर 10 साल तक अगर आप मटफस देखेंगे तो बहुत सारी चीजें आती हैं दिक्कतें इसमें। सबसे पहली दिक्कत क्या है, एक तो सीपेज की दिक्कत बहुत ज्यादा आती है मटफस के केस में। चलो सीपेज की दिक्कत मैं छोड़ देता हूँ अभी, क्योंकि मैंने पहली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था क्या क्या दिक्कतें होती हैं। तो ऐसे ऐसे काम कर सकते हो आप, वाटरप्रूफिंग कर लेना, कुछ भी कर लेना, प्लास्टिक बिछा लेना। तो यहाँ पे अभी सीपेज की मैं पॉइंट ही नहीं आपका बता रहा हूँ इसमें, सीपेज चलो अलग ही पॉइंट है वो। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या है कि जो मटफस आप मिट्टी डाल के टाइल लगाते हैं तो टाइल के बीच में जो दो टाइलों के बीच में जो गैपिंग होती है वहां मसाला भरा आता है, तो धीरे धीरे वो मसाला धूप पानी की वजह से धीरे धीरे फट फट के क्रैक हो जाता है। अब जहां जहां क्रैक हो गया तो मिट्टी बाहर हल्की से निकल आई, तो वहां पे फिर क्या है, चींटियां हैं, चींटियों का निवास हो जाता है, वहां घर बन जाता है उनका। तो कभी भी आप अपनी छत पे जाएंगे, इस मटफस वाली छत पे जाएंगे, तो आपको छत बड़ी गंदे से दिखेगी, मन नहीं करेगा कि आप अपनी छत पे बैठ जाएं। बैठेंगे तो तुरंत आपका पैंट शर्ट जो भी होगी वो काली पीली पड़ जाएगी, खासकर काली पड़ जाएगी, क्योंकि उसमें बारिश की वजह से इसमें थोड़ा बहुत पानी अब्जॉर्ब होता है तो काई लग जाती है। काई हो जब गीला रहेगा पोर्शन तो ग्रीन दिखेगा वहां पे काई आपकी, जब सूख जाएगी टाइल, जब छत आपकी सूख जाएगी तो ब्लैक हो जाएगी, तो लेयर लेयर बना करती है इस तरह के, और थोड़ी गंदी छत दिखती है, और धीरे धीरे क्या है चींटियों का वास हो जाता है इसके अंदर। तो ये थोड़ा चीजें दिक्कतें होती हैं मटफस में। आप लुक चाहते हैं तो लुक में आपको टाइल पे जाना पड़ेगा, सस्ता चाहते हैं तो सस्ते में आप मटफस पे जा सकते हैं। मटफस अगर लगा रहे हैं तो आपको कमरे के अंदर पीओपी नहीं करानी पड़ेगी, तो सिंपल सी बात है, ये बहुत ज्यादा आपकी बचत हो जाती है यहाँ पे, अगर आपको एसी वीएसी नहीं लगाते हैं तो। और अगर आप टाइल लगाते हैं तो टाइल में आपको छत तो बढ़िया अच्छी स्मूथ मिल जाएगी, बड़ी अच्छी साफ सुथरी छत मिल जाएगी, लेकिन आपको उस कमरे की उस छत के नीचे जो कमरा होगा उसमें आपको पीओपी करानी पड़ेगी, फॉल सीलिंग करानी पड़ेगी। अगर आप नहीं कराएंगे तो एसी तो चलो लगा लोगे आप, लेकिन उस कमरे को ठंडा होने के लिए एसी कम से कम 1-1.5 घंटे चलाएंगे तब जाके वो कमरा ठंडा होगा, इतना तो फर्क पड़ेगा। तो सिंपल सा, बिजली भी आपकी ज्यादा खपत होगी अगर आप इसमें फॉल सीलिंग नहीं कराते हैं टाइल वाली छत में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, शायद आप काफी कुछ चीजें आप समझ गए होंगे क्या बेटर है। तो दोनों अपनी अपनी जगह अच्छी है, टाइल अपनी जगह अच्छी है, मटफस अपनी जगह अच्छी है। इसके भी कुछ नुकसान है भाई, ये गर्म नहीं होगी, मटफस गर्म होगा नहीं, लेकिन टाइल साफ सुथरी दिखती है, मटफस गंदा दिखता है। टाइल में कोई जल्दी आपका कोई भी लीकेज नहीं होगी, वाटर लीकेज, मटफस में वाटर लीकेज हो सकती है, सीपेज आ सकती है। टाइल में कोई क्या है, चींटियां कीड़े मकोड़े नहीं होते हैं, मटफस में कीड़े मकोड़े और आपकी चींटियां आपकी वास कर सकते हैं, तो इतना फर्क होता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मेरे ख्याल से इस वीडियो में काफी कुछ आपको नॉलेज मिली होगी, और अगर कुछ आपको कमेंट करना है, कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और जय हिंद, वंदे मातरम।